सभी चेक पोस्ट को देखने के बाद साउथ जोन यहाँ मदीना सेंटर पे हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चौहान, डीसीपी साउथ जोन भोपाल और सभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो साउथ जोन की पूरी आवाम को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉकडाउन का इतना अच्छा एनफोर्समेंट का नमूना साउथ जोन के सभी आवाम ने दिया, ये बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद शहर में पिछले 16-17 दिनों से जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है ये बहुत अच्छा है। नए पॉजिटिव केसेस कम हो रहे हैं और बड़े शहरों बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में हैदराबाद में डेथ रेट भी बहुत कम है। ये सभी चीज मुमकिन इसलिए हुआ कि आवाम का फुल सपोर्ट है, पूरे डिपार्टमेंट्स का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स तक, सभी सुबह 9:30 से लेकर लेट नाइट तक आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, आपके परिवार के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे ऐसे बहुत कांस्टेबल ऑफिसर हैं जिनके अपने घर में कुछ लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी वो सभी कांस्टेबल ऑफिसर आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। उनके दर्द को पहचानिए, उनके दर्द को समझिए और उनके लिए आपके अंदर भी कुछ समझ, कुछ जिम्मेवारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वो 1% लोग जो लॉकडाउन को अभी भी ब्रेक कर रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप घर के अंदर रहिए। 99% पॉपुलेशन बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन को इन्फोर्स कर रहे हैं, लेकिन जो 1% हैं जो लॉकडाउन को ब्रेक कर रहे हैं, जिनके लिए हर दिन हम लोग लगभग 9,000 केसेस बुक करते हैं, 7,000 के लगभग गाड़ियां सीज करते हैं, उन गैर जिम्मेवार लोगों को मैं कह रहा हूं कि आपके कारण कोरोना अभी रुक नहीं रहा है। आप कोरोना को मौका दे रहे हैं एक घर से दूसरे घर जाने का, आप उनको अपने साथ लेकर दूसरे घर में जा रहे हैं, ये आपकी गलती है और सोसाइटी आपको कभी माफ नहीं करेगा इसके लिए। अगर आपके कारण किसी भी एक बुजुर्ग या बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। मैं ये उन 1% लोग को अपील कर रहा हूं। आज हमारे साथ साउथ जोन के सभी ऑफिसर्स यहां मौजूद हैं और डिपार्टमेंट के तरफ से, पूरे शहर के तरफ से साउथ जोन के सभी ऑफिसर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। इतनी मुश्किल समय में इतनी कड़ी मेहनत का एक जो नमूना उन्होंने पेश किया है वो काबिले तारीफ है और आगे आने वाले समय में हम लोग सब याद करेंगे कि ऐसे मुश्किल समय में हमारे पुलिस ऑफिसर अपनी घर की चिंता नहीं करते हुए सोसाइटी के लिए, आपके लिए, आवाम के लिए सड़कों पर 24 आवर्स ड्यूटी किए हैं। थैंक यू सो मच। पेशावराना कोर्सेज में दाखिलों और रहनुमाई के लिए मोतबर और जिम्मेदार नाम एलिगेंस 24 एजुकेशनल एकेडमी, IIT, JEE, नीट अंडर ग्रेजुएट और MSET में तालीम और दाखिलों को लेकर उलझन को दूर कीजिए। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन तलबा की रहनुमाई की जाएगी। 20 साल तजुर्बा रखने वाले माहिर लेक्चरर्स की खिदमत के जरिए अपने बच्चों की तालीम को मसला नहीं, मकसद बनाइए। रब कीजिए एलिगेंस 24 एजुकेशनल एकेडमी हैदराबाद।